नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक की सिटी न्यूज। सांसद राजकुमार चहार ने कांग्रेसियों का मिठाई खिलाकर किया स्वागत। कृषि बिल के विरोध से सांसद राजकुमार चहार के आवास पर पहुंचे थे कांग्रेसी, थाली और ताली बजाकर पहुंचे कांग्रेसी। सांसद राजकुमार चहार ने कांग्रेसियों को मिठाई खिलाकर किया स्वागत। कांग्रेसियों के साथ बैठकर सांसद राजकुमार चहार ने की बातचीत। मिठाई के मिठास में दिखे कांग्रेसी, मीठा खाने के बाद मीठे बोल। चौराहे पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन देख सांसद राजकुमार चहार ने घर बुलाकर किया मिठाई से स्वागत। बाइक की सिटी न्यूज से संवाददाता उमर फारूक की रिपोर्ट आगरा से। मोदी जी को आज किस तरीके का कांग्रेस प्रदर्शन मोदी जी को ये जो आज का कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है वो किसानों के आज से नहीं, लगातार हमारे बॉर्डर पर इस भयानक सर्दी में भी किसान डटे हुए हैं। ये तीन बिल जो लाई है सरकार उनको वापस ले, क्योंकि ये हमारे किसानों के खिलाफ है, किसानों के साथ अन्याय और धोखा है। उन बिलों को लेके आज हम सांसदों के आवास पर धरना और प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारी मांग है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये अन्याय रोका जाए। और अगर किसान अन्नदाता है, अन्नदाता जब देश का रूठ जाता है, देश की स्थिति खराब हो जाती। लेकिन इस देश के विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, क्योंकि बेऔलाद हैं। वो क्या जाने कि एक औलाद का दुख, औलाद का सुख क्या होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अपनी जनता से कि जनता हताश न हो, किसान की लड़ाई जारी है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के करेगी और बिल वापस लेके रहेगी, कुछ भी हो जाए। थाली बजा करके क्या संदेश देना चाहती कि आज ये थाली खाली पड़ी है। इस थाली में अन्नदाता रो रहा है, जो पैदा करता है थाली भरता था, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सब थाली में रख के खाते। आज थाली में कुछ नहीं बचा है। योगी जी समझ जाएं, आप तो बे औलाद हैं, आपके औलाद नहीं है, लेकिन जिनके औलाद वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं। हम लोग किसान हैं, किसान की बेटी हैं, किसान रो रहा है। बच्चे ये आरोप है कि बरगलाने का काम कर रहा है, उनके कंधों पर बंदूक रख करके चला रहा है, ये बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है, क्या कहना है? बीजेपी सरकार नौकरशाही उद्योगपतियों की सरकार है। जो गरीब है, जो दुखी है, कहते ना जिसके पांव न फटी बीमारी, वो का जाने पीर पर आई, वो क्या जाने। उनको तो हवाई जहाजों से यात्रा से ही फुर्सत नहीं है। जमीन पर देखे अन्नदाता रो रहा है, किसान रो रहा है। तो उनका काम है बरगलाना, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनी है और किसानों की आवाज बनी है, और एक दिन इन सरकार को झुकाने का काम करेगी, किसानों को न्याय दिलाने का काम करेगी। कांग्रेसियों को कोई बैरिकेडिंग नहीं रोक सकती। आपने देखा था टोरेंट प्रकरण हुआ था, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, लेकिन नहीं झुकी थी, नहीं रुकी थी। हमने अधिकारियों को मनवा लिया था, आज भी कह रहे इनकी बैरिंग किया। तो ये भी पुलिस प्रशासन मजबूर हैं, ये भी किसान के बेटे हैं, इनके भी आंखों में आंसू हैं, लेकिन करें क्या। हिटलर शाही सरकार के कार्यकाल में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ हैं। हम कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, लेकिन अपनी बात कहेंगे। बात कहने के लिए जेल जाना पड़े, इनका काम है जेल पहुंचाएं, लेकिन हम जेलों में भी कितने को जेल भेजेंगे, कितनों को जेल भेजेंगे। ये आगरा है, आगरा के लोग सब जान रहे हैं और सांसद विधायक जान रहे हैं। जब सांसद अभी कह के आए हमसे, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया, उन्होंने कहा आइए, हम भी वाकई में परेशान है, आप लोगों की बात सुनेंगे। जब वो भी परेशान है तो सुने ना चाहिए। फिर ये बैरिकेडिंग क्यों लगाई जा रही है? अगर ये दोहरा चाल चल रहे हैं तो यही जनता आगे आने वाले समय में जवाब देगी। और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तुम दीदी के साथ खड़े होकर आवाज लगाई? खेती करना बंद किसान कर देगा, जो किसान हित की बात करेगा, किसान हित की बात करेगा।
बंद करेगा।